नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। आज थाना भवानी मंडी राजस्थान परिसर से महिला सुरक्षा को लेकर आवाज़ का आगाज़। 2020 कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार के आदेशानुसार शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भवानी मंडी राजस्थान की कई जातियों की महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल एवं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राम प्रकाश जी, पुलिस वरताधिकारी गोपी चंद जी मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह यादव सहित संपूर्ण पुलिस महकमा मौजूद रहे। कर लेंगे, मैंने जितनी बार आगे चल के फ़ोन करने की सोची होगी उससे ज़्यादा बार इनका फ़ोन मेरे पास आ गया। तो ये बहुत सकारात्मक सी चीज़ है। तो वैसे ही अगर चीज़ें अपन भविष्य के लिए भी करें, क्योंकि तो आते ही मैंने आपसे पूछा, तो आपने ये कहा कि हमारा भी पहली बार ही अनुभव है फोटो खींच लिया आने से आने का। सर हेलो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज से कुछ महीने पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति था जो पड़ोस के अंदर एक महिलाएं बच्चे रहते थे। मैंने और डिप साहब ने हमने उस चीज़ की बड़ी भयंकर से वो गई। वो रोज़ क्या करता, एक पत्थर लेता और उसके जो टीम थी उस टीम में थे न्यू सेंस की कोई लेवल ही तो होता है। आदमी सहन करता 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 उसने कोलमा दिया, लड़ाई करने को तैयार आ गए, उसकी बच्ची को मोबाइल दे दिया। कई तरीके की घटनाएं हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, वो आदमी 3 महीने जेल रह के आया, सब शांत हुआ। उसके दिमाग में इस चीज़ का पता चल गया कि हमारी छोटी सी बेवकूफी का कितना थाने के भी आना नहीं होता है। अपन पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में आपने सिंगम देखा, अब सिंगम देखा तो सिंगम उठा उठा के रोड पे मार रहा है। फिर अब देखा हमारी पुलिस रोड पे मारी नहीं रही। दूसरी चीज, आपने आपने ये चीज़ देखी कि साहब आप गए थाने पे सबूत ले जाओ, ये तो हर बार सुनने में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की व्यथा एक्चुअल में, आप जब थाने पे आएंगे तो थाने पे हमने शुरुआत में ऊपर एक बैनर लगा रखा है, अगर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, हमने लगा रखा है। ये जब चीज़ें आती हैं कि सबको रिपोर्ट कराने आता है, तो वो रिपोर्ट कराने आने वाला व्यक्ति हो सकता है कि उस समय मास्क पहन के नहीं आया, उसको क्या पता करेगा, तो क्योंकि अंदर नहीं आने देंगे। उसके लिए हमने अलग से मास्क रखे थे कि पहले ये पहनो भैया जी और आप अपनी रिपोर्ट दे। अगर हमारे पास अच्छे बुरे हर तरीके के लोग आते हैं, हमारे पास झूठे लोग भी आते हैं, सच्चे लोग भी आते हैं, ये वेरीफाई करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। हम बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। हम उस जगह पर जाके कई बार हम आपके पड़ोस में आते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ, लेकिन आपको लगता है कि साहब मैं कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम बयान नहीं देंगे। तो हम आपको कहते हैं कि बयान न दें, वास्तविकता हमारे कान में डाल दें ताकि अपराधी को उसके क्रम के अनुसार सजा मिल सके। वो हम बाकी का काम हमारे ऊपर हम कर लेंगे कैसे भी। लेकिन ये जब तक एक दूसरे के प्रति सहयोग नहीं होता तब तक ये चीज़ें नहीं होती। ये कभी हो सकती है। ये सब चीज़ें भी एक बार इनकी वो भी करिएगा कि हम पहली बार थाने आए वो इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता। मतलब मैं खुद ही थाने कभी नहीं गया पूरी लाइफ में, अब 1 साल के पहले तक मैं खुद ही नहीं गया। 1 साल का हो गया, IAS बन गया, थाने नहीं गया। साहब डायरेक्ट IAS सेलेक्ट हुए और जिला कलेक्टर के रूप में काम करेंगे। अभी साहब को यहाँ पर अपना भवानी मंडी SDM के रूप में पदस्थापन के लिए साहब का हुआ। आप यहाँ पर पहले डिप्टी साहब, पहले यहाँ सीनियर साहब के रूप में यहाँ पदस्थापित रहे हैं और तकरीबन इस जिले के अंदर भी काफ़ी पोस्टिंग रही है। अच्छा जाना पहचाना नाम है। अच्छा, कई बार कई चीज़ें होती हैं जिसको अच्छे के या बुरे के रूप में आदमी अपने रूप में सोचता है। अगर किसी अपराधी से ये पूछा जाए कि पुलिस की कार्रवाई अगर उसके प्रति होगी तो कैसा रहा, तो उसका नज़रिया रहेगा कि पुलिस को गलत। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष जिसको जो पीड़ित था अगर उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा सही काम कर दिया, इसका इलाज सही हो गया। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज से कुछ महीने पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति था जो पड़ोस के अंदर एक महिलाएँ बच्चे रहते थे। मैंने और डिप साहब ने हमने उस चीज़ की बड़ी गहनता से वो करी। वो रोज़ क्या करता, एक पत्थर लेता और उसकी जो टीन थी उस टीन पे फेंक। न्यू सेंस की कोई लेवल ही तो होता है। आदमी सहन करता 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 उसने ओलमा दिया, लड़ाई करने को तैयार आ गए, उसकी बच्ची को मोबाइल दे दिया। कई तरीके की घटनाएं हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, वो आदमी 3 महीने जेल रह के आया, सब शांत। उसके दिमाग में इस चीज़ का पता चल गया कि हमारी छोटी सी बेवकूफ़ी का कितना बड़ा वो। अपन सर पोस्टर्स का विमोचन करें। अपनी जो कांग्रेस की जो मीटिंग है
जैसे अब आपने बताया कि आरटीएम से शुरुआत करते हैं, तो आरटीएम की एक मीटिंग रख लेते हैं, उसके अंदर हम ये लोगों को बताएंगे कि किस किस तरीके के अपराध होते हैं, उन अपराधों का परिदृश्य क्या है, किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या प्रोसेस है, सरकार ने क्या क्या बेनिफिशरी चीजें दे रखी हैं, किस तरीके की रिपोर्ट हमारे पास आती है, अगर कभी आपको कोई रिपोर्ट देनी है तो आपके पास माध्यम क्या क्या है, वो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकती है।